आगे बढ़ते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव आज पलामू आएंगे और 3 दिन पलामू में रहेंगे। लालू यादव 8 जून को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पलामू कोर्ट में पेश होंगे, जिसको लेकर उन्होंने कोर्ट में सशरीर उपस्थित होना है। लालू यादव 6 जून को हेलीकॉप्टर से मेदिनीनगर स्थित चियां की हवाई अड्डा 3 बजे दिन में पहुंचेंगे। वर्ष 1995-96 में लालू प्रसाद यादव की चुनावी सभा झारखंड के गढ़वा के मैदान में आयोजित की गई थी। मैदान में इतनी भीड़ हो गई थी कि हेलीकॉप्टर के पायलट ने सुरक्षा के मद्देनजर बगल के खेत में चॉपर को उतार दिया था और इसी को लेकर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। तो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पलामू पहुंचेंगे आज और 8 जून को उन्हें कोर्ट में पेश होना है। सशरीर और 1995-96 का यह मामला है जब चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए उनका जो हेलीकॉप्टर है जहां उतरना था गढ़वा में, वो इस मैदान में काफी ज्यादा भीड़ हो गई थी और इसके चलते जो पायलट है चॉपर का, वो बगल के खेत में चॉपर को उतार दिया था। जो इस मामले में आचार संहिता उल्लंघन को लेकर उन पर मामला दर्ज किया गया और इसी सिलसिले में वो 8 जून को सशरीर उपस्थित होंगे। और संवाददाता श्रवण सूरी इस वक्त पलामू से हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। श्रवण, लालू यादव आज पहुंच रहे हैं पलामू, वहां निश्चित तौर पर कार्यकर्ता जो आरजेडी की वो काफी उत्साहित होंगे, क्या कुछ और आज हो रहा है वहाँ? जो बिल्कुल अमित, देखिए लालू यादव के आने की तैयारियां पूरे जोरों पर है और जो कार्यकर्ता है वो काफी उत्साहित है। साफ तौर पर ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा है कि लालू यादव किसी केस मुकदमे के सिलसिले में पलामू के कोर्ट में आ रहे हैं। निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ता है वो इतने उत्साहित है कि यह कार्यक्रम राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में भी देखा जा सकता है। आपको बता दें अमित की आज लालू यादव तकरीबन 4 बजे जो पटना से उनका विशेष चौपर है वो यहाँ की एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। उसके बाद वो सीधे वहां से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में पलामू परिषदन में जाकर रुकेंगे, रात्रि विश्राम वहां करेंगे। कल का जो पूरा कार्यक्रम है उनका रिजर्व कार्यक्रम रहेगा, जिसमें वो अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, झारखंड स्तर के जो नेता है आरजेडी के, उन नेताओं से बातचीत करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और झारखंड में संगठन को कैसा मजबूत बनाया गया। तो क्योंकि सभी एक समय हुआ करता था कि आरजेडी के 10 से ज्यादा विधायक जो है तो वो झारखंड में हुआ करते थे, अधिकतर वो जो विधायक थे वो पलामू इलाके से हुआ करते थे, लेकिन इस बीच पलामू में इतनी सीट नहीं मिलना और पूरे झारखंड में मात्र एक सत्ता जो इस मंत्री भी हैं, तो वो काफी एक आरजेडी की चिंता का विषय था संगठन के तौर पर। तो इन सब चीजों को साधने के लिए क्या कुछ कोशिश कर सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने कार्यकर्ताओं को क्या टास्क देंगे, स्थित नेताओं को क्या टास्क देंगे। प्रदेश अध्यक्ष है संजय यादव, वो पहुंच चुके राजनगंज, जो मंत्री है वो पहुंच चुके राजनगंज, आरजेडी के तमाम। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण सोनी आपका। हमारे पलामू संवाददाता श्रवण सोनी बता रहे थे किस तरीके से लालू यादव को पहुंचने से पहले जो कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो वहां पहुंचे हैं और राज्य सुप्रीमो का 3 दिवसीय दौरा वहां है। उन्हें कोर्ट में सशरीर 8 जून को पेश होना है। उसके अलावा वो कार्यकर्ताओं से भी बातचीत और रणनीति तैयार करेंगे। फिलहाल